बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने मुझे विधानसभा लड़ने के काबिल बनाया है, मैं इसलिए आज फॉर्म भरा है MIM की तरफ से, और अल्लाह के फजल से सभी भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे को हर बारी में ताउन करते हुए अल्लाह का फजल से अभी सभी मेयर के लिए एक ही ने दुआ के लिए दरख्वास्त है पहली बात तो, और अल्लाह ताला ने एक ही ने ये जीत जो है का मेहनत की जीत है, और मैं जो कोशिश कर रहा था आज एक ही ने मुझे MIM की तरफ से बी फार्म लगा के असदुद्दीन साहेब ने और अकबरुद्दीन साहेब ने और सैयद मोइन साहब और हमारे फिरोज लाला और हमारे क्या नाम जाबिर साहब, ये लोगों ने बुलाकर बताया साबिर भाई आप हमारी पार्टी से लगो। मोइन भाई ने बोला भाई मेरा टिकट मैं छोड़ के आपको लड़ाना चाहता हूँ, उन्होंने भी कुर्बानी दी है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मेरा ये कहना है कि अभी तक मैं जो था मैं वो आप लोगों को समझ में आगा कल की सिग्नेचर देख के, तो वो सिग्नेचर के बाद से मेरा दिल गवारा नहीं करा, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ने का पूरा इरादा कर दिया। हाँ दे दिया मैंने राजनामा, इनवाइट में लिए नहीं थे उन्होंने, तो बाय पोस्ट से भिजाया मैंने, फिर बाद में एक घंटे के बाद कमिश्नर साहब मेरे को बुलाए थे कि भाई आके आप दे दो, पर ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया रुकी आली थी, इसलिए पार्टी के लोगों ने बोले पहले फॉर्म भरो बाद में राजनामा जाके दे दो। आपने कहा था कि मैं कांग्रेस का टिकट नहीं लेना चाहता हूँ, क्यों तो भाजपा सेना की युति नहीं हुई? नहीं मैंने इसका कारण क्या है? देखो वो पार्टी का तरफ से एक ही नहीं, अगर पार्टी का कोई लीडर बोला कि भैया सबने साइन मारे आप भी साइन मार के दे दो, तो मेरा साइन से पहले की बात नहीं, जब साइन मारने को बुलाए तो वो टाइम पे बताया उन्होंने कि भैया सबकी साइन ले ली हमने, आपकी भी साइन कर देना, तो हम बोले ठीक है जब हम वो पार्टी में है तो पार्टी के जो रूल्स रहते लोगों की बात सुनना जरूरी रहता, अब हम जब उनके साथ में थे तो ईमानदारी से थे, अब हम इधर आए MIM में तो हमारी अब इधर की ईमानदारी देखिए आप सब लोगों ने। इतने सालों से कांग्रेस में रहे तो फिरका परस पार्टी कांग्रेस भी मानी जाती है, कौन सी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटीज को नजरअंदाज करती है, ये बात भी बोले? ये मेरा सवाल तुम ही जवाब दे दे रहे ना, बोलने का मतलब आप तुम्हारे समझ में आएगा ना, मेरे को तो लग रहा ना जो है दो महीने तीन महीने पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता ने टोली तैयार की थी, उसमें आपको भी शुमार किया गया था और आपको जो है मुसलसल काम पे लगाया गया था और बताया गया था कि ये लोगों में से किसी को उम्मीदवारी मिलेगी, तो अब उम्मीदवार जो है तब्दील हो गया, तो आपको इसका जो है बुरा लगा जो आपने ये फैसला लिया? हाँ ना, ये जो फैसला लेने में हमको दुख रहा कि भाई हम इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, हमने बोले थे कि कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले एक मुस्लिम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दो, तो नहीं करते हुए बाद में ही कि दूसरे कैंडिडेट डिक्लेयर हुए बाद में हमारे को बोले कि भाई ठीक है अभी करने आले अभी करने आले, आखिरी तक के नहीं करके कल हमारे से लिखा के लिए, तो हमारी वो नाराजगी रही हम इसलिए। आपका पूरा सियासी करियर कांग्रेस पार्टी से अब तक चलता आ रहा है, अब आगे जाके आपके करियर को आपके इस फैसले से अगर कोई नुकसान पहुंचता है उसको कैसा दिखता है? अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है मेरा, अल्लाह ताला जो मेरा करियर बनेगा अल्लाह की मर्जी से बना, और आगे भी अल्लाह ताला है जो भी होगा मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। बड़ा फैसला आपने लिया, आप खड़े रहे MIM से, अभी क्या मसले क्या है, मुद्दे क्या क्या लेके चल रहे हैं विधानसभा के? अभी है कि नहीं, नांदेड़ महापालिका के अंदर जितने लोगों को तकलीफ हुई डैम रहते हुए, क्योंकि यहाँ के स्थानीय आमदार ने और वो है कि नहीं पूरा पानी शेतकरियों को छोड़ दिए थे जबकि शेतकरियों को जरूरत ही नहीं थी पानी की, तो लोगों ने इतनी तकलीफ महसूस करे तो जब कोई प्रशासन हमारा बोलने को खाली नहीं, कुछ करने को खाली नहीं, एकदम खामोश बैठ के, हमारी एक हाथ की सत्ता थी मैं जब कांग्रेस में था तो वो रहते हुए भी है कि नहीं कोई काम करने को तैयार नहीं थे, तो लोगों का ये लगा कि कोई तो भी अपना नुमाइंदा आना और कुछ तो भी करना, इंशाअल्लाह ताला पानी की तकलीफ दूर करूंगा मैं हर चीज़ से, है कि नहीं महापालिका के अंदर 20 साल से मैं नगर सेवक हूँ, वो वजह से है कि नहीं महापालिका के हर एरिए का मैं है कि नहीं पूरा बराबर ध्यान रखूंगा उसके ऊपर, हर सबका काम करूंगा इंशाअल्लाह, ऐसा कह के मैं अपनी वंचित अलग लड़ रही है कांग्रेस इनकी युति है, किस तरीके से आप चुनाव का जीत की कैसे कैसा देखते हैं आप, किस तरीके से देखते? भैया मेरे इलेक्शन लड़ने को जब आदमी है कि नहीं ग्राउंड में आया, मैं अभी तक है कि नहीं जो इलेक्शन लड़ते हुए आया मैं ये सोच के नहीं आया कि भैया वो जो रहता एरिया मैं मिक्स एरिया से आया वाला हूँ हिंदू मुस्लिम, तो जब मैंने नहीं सोचा था अल्लाह के फजल से आज कहाँ सोचूंगा मैं, जब भी मेरे वही चोटर थे आज भी अगर मेरा काम अच्छा लगेगा तो उन्होंने कि उन्हें मेरे को वोट देने को बिल्कुल सभी देंगे मेरे को, हर समाज मेरे साथ में है इंशाल्लाह। सबसे पहले आपने सरप्राइज
रुको ना, चल रहा है भाई। जरा एक मिनट मेरी बात सुन लो, जरा जल्दी हुए जरा जुम्मा की वजह से। देखो आपने दक्षिण से जो उम्मीदवारी दी गई आपने, तो क्या वजह है कि आपको कांग्रेस का कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ा? क्या मजलिस के पास ऐसे चेहरे नहीं थे या क्या वजह? नहीं, अभी साबिर चौहान साहब ने बताया कि सही तो साबिर साहब 20 सालों से कुर्बानी देते हुए आ रहे, तो हमारे नेता जनाब सैयद मोइन साहब ने भी इनके लिए कुर्बानी दी है। और सैयद मोइन साहब ने ये कहा है कि भाई अगर साबिर चौश आप अगर लड़ते, आप जैसे काबिलियत वाले लोग हमारे को चाहिए, अगर आप लड़ते हैं तो इंशाल्लाह मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। किस तरह से देखते इलेक्शन को अभी, जैसा कि महापालिका में एमआईएम पहले नांदेड़ में आया फिर महाराष्ट्र में, आज विधान परिषद की तैयारी कर रहे हैं, दोनों तरफ से दो खड़े रह रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आज लोगों का जो रुझान है आज मजलिस की तरफ वो ज्यादा है, इसलिए है कि पिछले कई सालों से पार्लियामेंट के अंदर कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीबे मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की आवाज़ है, और उन वो गरीब तबकात जो वंचित तबकात है उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमको अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि इस बार जिस तरह से रियासत महाराष्ट्र में मजलिस की मकबूलियत शहर नांदेड़ से बढ़ी थी सैयद मोइन साहब के नेतृत्व में, तो इंशाल्लाह इस बार यही नांदेड़ शहर से 2 के 2 MLA मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाब हो गए। मेरा क्या लेते होगा ना, नहीं मजलिस की शमूलियत के वक्त ही मैंने साफ तौर से इस बात का इजहार किया था कि ना मैं किसी पोस्ट के लिए आ रहा हूँ ना ही किसी टिकट के लिए आ रहा हूँ, बल्कि मजलिस में शामिल होकर जमात को ताकतवर बनाने के लिए अपने कायदीन के जो भी उसूल और आदाब रहेंगे उनकी हिदायत पर मैं काम करूंगा। और आज वाकई अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर और दक्षिण के हमारे दोनों कैंडिडेट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर प्रभारी हमारे जाबिर अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे प्रेसिडेंट हमारे मिर्जा अमजद बेग है, फसीह अहमद साहब हैं, ये सबकी मौजूदगी में जो फैसला लिया गया है वाकई काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ फैसला है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी से निकल कर जो साबिर चौश आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर साबिर चौश ने देखा है कि वहाँ पे किस तरीके का माहौल है, तो अपने आप को खुली आज़ादी की तरह आज महसूस कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो खुले जहन के लोग हैं, जो समाज के लिए, जो कौम के लिए, जो मिल्लत के लिए करना चाहते हैं, उन तमाम को हम दावत देते हैं कि आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज हालात और वक्त का तकाजा है कि कांग्रेस बीजेपी शिवसेना एक ही के सिक्के के दो रुख हैं। आप देखेंगे चारों तरफ क्या माहौल है, बरसा बरस से कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया, सिर्फ चॉकलेट देते आई, लोकसभा के इलेक्शन में इतना बड़ा वहाँ पे बवंडर खड़ा हुआ था पाकिस्तान फंक्शन हॉल के अंदर, उलमाए इकराम की मौजूदगी ने सबने कहा था कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हमको सिर्फ वोटों के अस्तक इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद हमको खोल लिया जाता है। ये वक्त भी ऐसी कहा, MLC का वादा कहा, MLA का वादा किया, हर तरीके के वादे अशोक चौहान की फैमिली और खुद अशोक चौहान की जानिब से किए गए, लेकिन कितने वादे पूरे हुए? और वाकई काबिल तारीफ है हमारे साबिर चौश, एक बड़ा बेहतरीन कदम उन्होंने उठाया, और मुझे अल्लाह की रास्ते उम्मीद है इंशाल्लाह इनके इस फैसले से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि शहर के अंदर मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का, दलित तबकात का जो गुस्सा है, तो वो गुस्सा आपको आने वाले 21 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला देखने को मिलेगा कि पोलिंग बूथ पर जाकर उत्तर और दक्षिण की अवाम पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी ताईद और हिमायत देगी साबिर चौश को और फिरोज लारा साहब को, और बताएगी कि हम कांग्रेस से कितना नाराज है। अशोक चौहान कहते थे कि कांग्रेस खत्म होगी नांदेड़ से, आप क्या कहते हैं? अरे मजलिस कहां से खत्म हुई मेरे भाई, मजलिस को खत्म करने वाले खत्म हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस के सिटिंग कॉर्पोरेटर इस्तीफा देकर अगर मजलिस में आ रहे हैं, तो बताओ मजलिस ताकतवर हुई कि कांग्रेस ताकतवर हुई?
आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.